हाय दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो धर्मिता में। इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया देख लीजिएगा दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर से आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और सब इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चन है, जैसे एसएससी से आया हुआ क्वेश्चन है, आईपीएस से, यूपीएससी से आया हुआ है, ठीक है। मैनी ऑफ द एग्जाम कमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो टोटल क्वेश्चन मैंने एक जगह इकट्ठा करके रखा है, तो प्रीवियस ईयर टोटल देख लीजिएगा वीडियो। नाउ द पहला क्वेश्चन इज स्टार्टेड ऑफ रेडियो एक्टिविटी का, तो पहला क्वेश्चन कौन होगा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था दोस्तों, हेनरी बेक्वेरल ने किया था। किसने किया था, हेनरी बेक्वेरल ने किया था, ओके। अंटोनी हेनरी बेक्वेरल 15 दिसंबर 1852 से 25 अगस्त 1908 में एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता, मैडम क्यूरी तथा प्यूरे क्यूरी के साथ रेडियो धर्मिता के अन्वेषक थे। इसके लिए तीनों को 1903 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो रेडियो धर्मिता की खोज किया किसने, तो हेनरी बेक्वेरल ने। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की था, न्यूक्लियस के साइज को पता किया था, ओके। रॉन्जेन ने किसका खोज किया, तो पीएच का दोस्तों, रॉन्जेन ने किसका खोज किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता किसका गुण है दोस्तों, तो नाभिक का है। किसका है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, नाभिक का है। नाभिक देखिए, जिसका न्यूट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों, किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता किसने खोज किया था, मिल्किंस ने खोज किया था, ठीक है। रेडियो सक्रियता जिसे रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से अस्थिर परमाणु की बात होगा दोस्तों, ठीक है। से आयनीकरण विकिरण जिसे आयोनाइजिक रेडिएशन के रूप में ऊर्जा फेंकता है, ठीक है, क्या करता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन के तौर पर फेंकता है एनर्जी, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते हैं विकिरणशील या रेडियोधर्मिता कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणुविक नाभिक स्थिर नहीं होती है और जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को छोड़ते हैं रेडियोधर्मिता कहलाते हैं। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है कौन, रेडियो सक्रियता के परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। कौन भाग लेता है, परमाणु के नाभिक भाग लेता है, ओके। और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है केमिकल बिहेवियर, ठीक है, किसी भी एटम का केमिकल बिहेवियर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, दिस इज अ संयोजी इलेक्ट्रॉन, ओके। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। अस्थायी अगर नाभिक होना है तो न्यूट्रॉन की संख्या से कम होना होगा, ठीक है। अस्थायी नाभिक है होना है तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या से कम होना है, किसको, प्रोटॉन की संख्या को। तो अस्थायी नाभिक में, नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है दोस्तों, ठीक है। और जिसका न्यूट्रॉन की संख्या समान और सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है या आइसोटोन कहलाता है इंग्लिश में, ठीक है। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। रेडियो धर्मिता की यूनिट कौन है, क्यूरी है, ठीक है। रेडियो धर्मिता की यूनिट कौन है, क्यूरी है, ओके। फर्मी क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला से यूनिट मापते हैं, एंगस्ट्रम वेवलेंथ के लिए मापते हैं दोस्तों। रेडियो धर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करता है, अल्फा बीटा एंड गामा का निकालता है। रेडियो धर्मिता किसका उत्सर्जन करता है, अल्फा बीटा एंड गामा किरण का निकालता है। रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हों विकिरणशील या रेडियोधर्मिता कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण
और इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणुविक नाभिक स्थिर नहीं होती है और जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को छोड़ते हैं, रेडियोधर्मिता कहलाते हैं। ओके, रेडियोधर्मिता किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा का। गामा का पेंट्रेशन पावर हाई होता है एज ए कम्पेयर टू बीटा, ठीक है। बीटा निकालता है माने लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है दोस्तों। ओके, डबल बिहेवियर ऑफ द रेडियो तरंगे किसने खोज की थी, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओजोन परत हमको किससे बचाता है दोस्तों, जरा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फ़ा बीटा की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने। गामा का भी रदरफोर्ड ने किया था। एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने सबसे पहले दिया था। रॉन्जन ने क्या किया था, जरा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने ही किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 30 अगस्त 1871। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी दोस्तों? तो रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 30 अगस्त 1871 से 31 अक्टूबर 1931 तक रहे प्रसिद्ध रसायनक थे और भौतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने नाभिक भौतिकी का जनक माना जाता है। भौतिकी रसायन के लगभग सभी प्रयोगों में उन्होंने अपनी होने वाले अल्फा बीटा एंड गामा किरणों के बीच अंतर बताने वाले वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही थे। कौन रेडियो सक्रियता किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? हीलियम नाभिक के समकक्ष अल्फा किरणें होती है, क्योंकि पॉजिटिव होता है ना दोस्तों, ठीक है, डबल प्लस आयन देता भी है अल्फा किरणें। कौन रेडियो सक्रियता किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो अल्फा किरणें होती है, ठीक है। पेंट्रेशन पावर ऑफ गामा का ज़्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के समकक्ष होता है बीटा किरणें, अल्फा किरणें हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, ठीक है। अल्फा किरणें जो होता है हीलियम नाभिक के लगभग समकक्ष होता है। अल्फा कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं। इनकी संरचना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्वारा होती है। रेडियोधर्मिता में ये कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है? नाभिक से निकलने वाला सबसे ज़्यादा किसका भेदन क्षमता सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा कौन निकलता है? गामा किरण। नाभिक से निकलने वाला विकिरण में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है? तो गामा किरण का है। इस प्रक्रिया को गामा क्षय या गामा डीके कहा जाता है। अपने ऊंचे ऊर्जा स्तर के कारण जैविक कोशिका द्वारा सोख लिए जाने पर अत्यंत नुकसान पहुंचा सकती है। गामा किरण नाभिक में से अल्फा एंड बीटा का निकालने या निकलने से बनता है। यह सबसे अधिक भेदन क्षमता वाला किरण होता है। ओके, अल्फा किरणें क्या है? हीलियम डबल प्लस आयंस होगा। अल्फा किरणें क्या है? हीलियम डबल प्लस आयंस होगा। अब बीटा किरणें लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने खोज किया था, ठीक है। हाइड्रोजन जो आयंस होता है क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अल्फा किरणें अल्फा कणों से मिलकर बनी है। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है, अतः अल्फा किरणें हीलियम परमाणु के नाभिक से बनी होती है। अल्फा किरणों का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। इन किरणों पर 2 इकाई धनावेश होता है। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है क्या? 2 इकाई धन आवेश होता है। 2 इकाई क्या होता है? धन आवेश होता है। बीटा किरणें बनी होती किससे? ऋण आवेशित कणों से। किससे बनी होती है? ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, जबकि अल्फा किरणें धन आवेशित कणों से बनी होती है और बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। कुछ रेडियोएक्टिव नाभिक में जैसे पोटेशियम 40 से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा जो हाई एनर्जी होगा तथा हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉनों को बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। ये एक प्रकार के आयनकारी विकिरण होता है, ठीक है। इन्हें बीटा रे भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी
न्यूक्लियस से बीटा कणों को निकालना बीटा क्षय कहा जाता है। बीटा कणों को ग्रीक वर्ण बीटा डैश में लिखा जाता है। ठीक है, बीटा क्षय दो प्रकार के होते हैं, बीटा नेगेटिव एंड बीटा प्लस, जिसमें क्रमशः इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो ऋण आवेशित कणें होती हैं बीटा किरणें। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? संभारिक का निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो बीटा किरणें से निर्माण होता है। संभारिक का निर्माण किससे होता है? संभारिक यानी आइसोबार इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों, तो बीटा किरणें से होती है। बीटा किरणें से संभारिक का निर्माण होता है। हीलियम डबल प्लस आयंस अल्फा कण देता है, यानी दो धन आवेशित ऋण कण होता है। ओके, आइए तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है, रे की तरह। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी दोस्तों, जो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। किसके उत्सर्जन से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु नंबर बढ़ता, परमाणु नंबर क्या, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। किसके उत्सर्जन से? बीटा कण के, यानी बीटा कण जब जब निकलेगा, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब है क्या, सॉरी दोस्तों, कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अल्फा कण जो होते हैं हीलियम डबल प्लस आयंस होते हैं। ओके, अब प्रोटॉन्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों ही न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है। ठीक है, किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश की बीटा किरणें में होता है। किस में होता है ऋणात्मक आवेश होता है? नेगेटिव चार्ज किस में होता है? बीटा किरणें में। हेलियम डबल प्लस आयन यानी डबल प्लस आयन पॉजिटिव यानी दो धन आयन किस में होगा? अल्फा किरणें में। और ऋणात्मक आवेश किस में होगा? बीटा किरणें में। ठीक है, बीटा किरणें में ऋणावेशित होते हैं। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का समरूप है कौन? बीटा किरणें। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन होता है? बीटा किरणें, यानी इसका मतलब ऋणावेशित कण है। ओके, एक बीटा पार्टिकल्स का निर्माण नाभिक के क्षरण से होता है। ओके, न्यूक्लियस का क्षरण होगा तब एक बीटा पार्टिकल्स हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्या होता है? हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा पार्टिकल्स की ऊर्जा हानि से ही इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। जब ऊर्जा हानि होगा तभी इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। सामान्य ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यह ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। ठीक है, लगभग इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। ठीक है, लगभग इसका द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य होता है। लगभग इसका द्रव्यमान आपको ऋण आवेशित तो होता ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये आपको सबसे बढ़िया क्या होगा, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए उनका वेलोसिटी अधिक होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए भी गलत नहीं है बताया जो है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, बंधन क्षमता के आधार पर देखना है। ठीक है, बंधन क्षमता के आधार पर देखना है और एनर्जी के आधार पर देखना है, क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, बीटा किरणों का जो मास होता है नगण्य होता है, इसलिए उनका वेलोसिटी अधिक होता है, यानी मास कम होने की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी अधिक हो जाता है। किसका? बीटा किरणें का, बीटा किरणों का होगा। सामान्य ऊर्जा अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बीटा किरणें का मास नगण्य होता है, इसलिए वेलोसिटी अधिक होता है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहाँ करती है? तो बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश होती है? ऋणात्मक होती है। बीटा किरणें क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बीपीएससी में आ चुका दोस्तों। गामा किरणें किससे बनी होती है? देखिए यूपीएससी में आया हुआ है दोस्तों। गामा किरणें किससे बनी होती है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है। किससे बनी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। गामा किरणें जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है। किससे बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ठीक है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी दोस्तों, ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, मेसॉन क्या होता है ना, दो न्यूक्लियस को आपस में बांधे रखता है, उसे मेसॉन कहते हैं। और मेसॉन की खोज किसने की थी, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। गामा किरण एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटॉन्स होता है। ठीक है, क्या होता है? फोटॉन्स होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी क्षय से उत्पन्न होता है। परमाणु नाभिक जब रेडियो एक्टिविटी क्षय होगा तभी एक क्या होगा, गामा किरण रिलीज निकलेगा। गामा किरण क्या होती है दोस्तों? रेडियो सक्रियता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है, हाई एनर्जी युक्त किरण होती है। गामा किरण क्या होती है? रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होता है उससे जो उत्सर्जित होगा, ठीक है, उससे उत्सर्जित होने वाला हाई एनर्जी युक्त किरणें होती है। ठीक है, गामा किरण क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रियता क्षय से उत्पन्न होता है। गामा किरण के फोटोन की ऊर्जा अब तक प्रक्षेपित अन्य सभी फोटोन की ऊर्जा से अधिक होती है। सन 1900 फ्रांस के भौतिक शास्त्री हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की थी जब वे रेडियम से निकलने वाले रेडिएशन का अध्ययन कर रहे थे। तो गामा किरण क्या होती है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस द्वारा एनर्जी, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है उससे निकलता है हाई एनर्जी युक्त किरण। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है उससे निकलेगा हाई एनर्जी युक्त किरण होती है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे कहते हैं। ठीक है, ये SSC के में आ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। किस में आ चुका है? SSC में आया हुआ है। किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरण का सबसे अधिक भेदन क्षमता होगा क्योंकि हाई एनर्जी युक्त किरणें होती है, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस से होती है। ठीक है, बीटा किरण का मास क्या होता है? नगण्य होता है अल्फा कण के तुलना में। अल्फा कण के तुलना में मास जो होता है बीटा का कम होता है। हीलियम डबल प्लस आयन अल्फा कण होता है तो बीटा किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन होता है? गामा किरण होता है, गामा किरण होता है। अब बीटा किरण नेगेटिव चार्ज होता है यानी ऋणात्मक होता है, जिसके निकलने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, गामा किरण नाभिक से अल्फा बीटा से निकलता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता वाला किरण गामा किरण ही है। निम्न में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम है? तो सबसे आयोनाइजेशन कम होगा किसका? गामा किरण का। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, हाई एनर्जी युक्त होता है। गामा किरण अति उच्च आवृत्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं या रे होते हैं। ठीक है, इसकी भेदन क्षमता अति उच्च होती है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर वेरी हाई होता है, परंतु आयनन क्षमता नगण्य होती है। ठीक है, आयनाइजेशन क्षमता क्या होता है? वेरी नगण्य होता है। ये वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, यानी आयन क्षमता सबसे कम किसका है? आयोनाइजेशन क्षमता सबसे कम होगा गामा का। अब पेनिट्रेशन पावर हाई है, आयोनाइजेशन क्या, आयोनाइजेशन पावर जो है इसका क्षमता कम है गामा का, यानी आयोनाइजेशन ये कम से कम होगा या नहीं होता है। ठीक है, बीटा किरण आपका नेगेटिव चार्ज होता है। बीटा किरण क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हीलियम डबल प्लस आयंस अल्फा किरण देगा। ठीक है, निम्न में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक है? तो आयनन क्षमता सबसे अधिक किसका होगा? अल्फा किरण का होगा। आयनन क्षमता सबसे अधिक किसका है? अल्फा का। और सबसे कम किसका है? गामा का। सबसे कम किसका होगा? आयन क्षमता गामा का। और सबसे अधिक आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी किसका होगा? अल्फा किरण का, क्योंकि हीलियम डबल प्लस आयंस होता है। और बीटा किरण का मास लगभग नगण्य होता है,
अल्फा तो के तुलना में, ठीक है, तो अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। अल्फा कण जब निकलेगा तब 2 एटॉमिक नंबर घटेगा, मास 4 की कमी आएगा। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, उनकी आयोनाइजेशन क्षमता उच्च होती है और वायु में भेदन क्षमता लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ओके, और गामा किरणें क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है या हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है किसका? बीटा किरणें का, जिसे ऋणायन भी कहते हैं। आइए, गामा किरणें जो होता है ना, आयोनाइजेशन क्षमता सबसे कम होता है, ओके, पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई होता है। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात निम्न किस में अंतिम रूप में बदल जाता है? तो सीसा में बदल जाता है। जितना भी रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस जो है ना, अंतिम में सीसा ही बनता है, ठीक है। क्या बनता है? शीशा बनता है। कैडमियम से इटाई नामक बीमारी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। जिंक जावर नामक स्थान राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? फिलोसफर बुल कहते हैं, ठीक है। जिंक क्लोराइड नाम सुने होंगे, जिंक क्लोराइड से पेंटिंग किया जाता है लकड़ी के वस्तु को। कोरेंडम क्या होता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। न्यूनतम पारगम्यता शक्ति किरण कौन सी होती है? सबसे कम पारगम्य क्षमता किस में होती है? तो अल्फा किरणें में होती है। क्यों? क्योंकि ये हीलियम प्लस आयन होता है ना, इसलिए भेदन क्षमता इसका लगभग क्या होता है? बहुत कम होती है, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर वेरी लो होता है अल्फा किरणें का, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा किरणें होता है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन सबसे कम होता है। हीलियम डबल प्लस आयन जो होता है ना, ये डबल प्लस आयन अल्फा के किरणें होती है जो जल्दी आयोनाइज होता है, इसलिए इसका पेनिट्रेशन पावर यानी न्यूनतम पारगम्य क्षमता है। ये SSC के 2015 में आया हुआ है दोस्तों। एक्सरे की खोज किसने की थी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा का। बीटा किरणें का एटॉमिक मास लगभग नगण्य होता है अल्फा कण के तुलना में। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। जब अल्फा कण निकलता है तब हीलियम के नाभिक होते हैं, उनकी आयन क्षमता, देखिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, द्रव्यमान 4 की कमी आती है अल्फा कण निकलेगा तब, ओके। उनकी आयन क्षमता उच्च होती है, वायु में भेदन क्षमता लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश के नाम पर रखा गया? तो पोलोनियम को रखा गया, क्योंकि पोलैंड की रहने वाली थी मैडम क्यूरी ना, इसलिए पोलोनियम की खोज किया गया था। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश के नाम पर रखा गया? तो पोलोनियम हो गया, ठीक है। पोलोनियम एक रासायनिक तत्व है, इसकी खोजकर्ता 1898 मैडम क्यूरी या पियर क्यूरी ने की थी। यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके मुख्य समस्थानिक का द्रव्यमान 210 होता है, लेकिन इसके अलावा पोलोनियम के 10 अन्य समस्थानिक ज्ञात है जो आवर्तसारणी में किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक है, ओके। सर्वाधिक समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम के, लगभग 27 है, ओके। यूरेनियम को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है दोस्तों, और हाइड्रोजन को भी, ठीक है। कल्पक्कम में किसका संयंत्र लगा हुआ है, यूरेनियम का या थोरियम का? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। कौन सा एक रेडियो धर्मी पदार्थ नहीं है? रेडियो धर्मी पदार्थ नहीं, एल्युमिनियम नहीं होगा, बाकी थोरियम है, यूरेनियम है, आप पोलोनियम है, ठीक है। पोलोनियम भी है, यूरेनियम भी है, और थोरियम भी है। थोरियम मोनोजाइट बालू नामक सब्सटेंसेस से पाया जाता है, भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है थोरियम दोस्तों, ओके। यूरेनियम सबसे ज़्यादा भी 2020 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। एल्युमिनियम का एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है,
यह भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। वेयर प्रोसेस द्वारा इस अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, जिसमें एलुमिना Al2O3 एलुमिना हो गया से बच जाता है। एलुमिना के विद्युत अवघटन द्वारा शुद्ध एलुमिनियम प्राप्त होता है। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ कौन नहीं, एलुमिनियम नहीं, बाकी पोलोनियम, थोरियम, यूरेनियम है। कौन कौन, पोलोनियम, थोरियम और यूरेनियम। नाभिक विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अन्वेषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, बोरोन को किया जाता है। किसको किया जाता है, बोरोन को। कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, जर्कोनियम नहीं होगा, ठीक है। बाकी फ्रांसियम, ट्राइटियम, स्टेटिन है। जर्कोनियम तो आपका उपधातु है दोस्तों, ठीक है। जर्कोनियम एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त सारणी तत्व का है। इस तत्व के 5 स्थिर समस्थानिक पाए जाते हैं, जिनका परमाणु भार 90, 91, 92, 94, 96 है। कुछ अन्य रेडियोधर्मी समस्थानिक जैसे परमाणु भार वाले नवासी भी कृत्रिम साधनों से निर्मित किए गए हैं। ओके, तो कौन सा रेडियो धर्मी एलिमेंट नहीं है, तो जर्कोनियम नहीं, बाकी ट्राइटियम है, फ्रांसियम है, आइस्टेटिन है, ठीक है। स्टेटिन है, फ्रांसियम है, ट्राइटियम है, स्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। विघटनाभिक, ठीक है, विघटन नाभिक जिसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। वस्तु को किससे बने पात्र में रखा जाना चाहिए, तो शीशा में रखा जाना चाहिए, यानी लेड में, ठीक है, PB इंडिकेशन जिसे कहते हैं। वस्तु को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, तो किस में रखना चाहिए, ये SSC में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, तो PB में, PB मतलब लेड में रखना चाहिए, ठीक है। इस पात्र में किसको रखना चाहिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों, इस पात्र में किसे रखा जाता है, यानी लोहा वाले सब्सटेंसेस में। एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। अगर बीटा कण हो एक निकलेगा तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है, और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। परमाणु क्रमांक में एक में वृद्धि होगा, बीटा कण में क्या होता है, एक में वृद्धि होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, तो पहला सही रहेगा। मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु परमाणु में एक में वृद्धि होगी। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक बढ़ता है 2, इस वाले परमाणु क्रमांक 2 में कमी आती है और मास में 4 की कमी आती है। मास में कितना, 4 की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। जबकि बीटा कण निकलेगा तो एक में एक एटॉमिक नंबर की वृद्धि होगी, अल्फा कण जो निकलता है तो 2 का एटॉमिक नंबर घटा देगा, एक को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, कौन, अल्फा कण, ये 2 को घटा देता है एटॉमिक नंबर अल्फा कण, एक एटॉमिक नंबर बढ़ा देगा, कौन, बीटा कण, 2 को एटॉमिक नंबर घटा देगा अल्फा कण, ठीक है। तो अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, मास में 4 की कमी आएगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है अल्फा कण के उत्सर्जन से, और मास में 4 की कमी आती है। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की कमी आएगी, द्रव्यमान में 4 की कमी आती है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, उनकी आयनन क्षमता उच्च होती है, वायु में भेदन क्षमता लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। सोडियम 11-22 जिसे कहते हैं, एक बीटा निकलता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ा दे रहा है तो मैग्नीशियम हो जाएगा। CDS के क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम बन जाएगा कब, जब एक बीटा कण उत्सर्जन होगा तब सोडियम से, यूरेनियम 92 से 87 बनने का मतलब है कितना कमी आया है, देखिए 80
पाँच का कमी आने का मतलब है कि छ गो क्या निकला हुआ अल्फा कण, यानी तीन गो अल्फा कण बताया होगा, क्योंकि एक गो अल्फा कण दो गो एटॉमिक नंबर को घटाता है। ठीक है, तो छ गो ये वो बढ़ा दिया ना, तो ए वो डिफरेंस पैदा कर दिया, तो ए वो बीटा कण होगा। ओके, तो थ्री अल्फा कण ए वो बीटा कण हो जाएगा, क्योंकि तीन अल्फा कण जो होता है दो प्रोटॉन को निकालता है, मतलब दो क्या घटा देता है, परमाणु संख्या घटा देता है, चार को मास घटा देता है। ठीक है, तो चार को मास घटाने से पता तो ये चल जाता है कि चार को मास घटेगा, तो इस 92 से 87 बनने का मतलब है तीन अल्फा कण निकला है। ठीक है, और चार मास घटाता है एक बार में, तो चार का थ्री मल्टीपल हो जाएगा, और जबकि अल्फा कण क्या था, एक एटॉमिक नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए छः के बदले पाँच हुआ। यदि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की मात्रा दोगुना कर दिया जाए, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है या सब्सटेंस है उसको दोगुना कर देंगे ना, तो रेडियो जो क्षरण है उतना ही रहेगा। ठीक है, कितनों भी अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ये इतना है, अगर इतना भी कर देंगे ना या इतना भी, तो क्षरण उसी रेट से ही होगा। ठीक है, डीके उतने ही रेट से होता है। यूरेनियम 92 238 विघटित होकर पोलोनियम 291 बनता है। तो देखिए, एक में एटॉमिक नंबर घटा है, इसका मतलब है कि ए वो अल्फा का निकला होगा और ए वो बीटा कण होगा। ठीक है, एक अल्फा कण एक बीटा कण। रेडियो धर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 2.5 ग्राम रह जाएगा, तो 140 दिन तक में हो जाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की आधी मात्रा क्षय होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। यह काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता नहीं है, मास पर निर्भर नहीं करेगा। अतः यदि 1 ग्राम 70 दिन में आधा रह जाता है, ठीक है, तो अगले 70 दिन में आधा फिर रह जाएगा, अतः कुल समय 140 दिन लगेगा। यदि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का पदार्थ जीवन काल यानी हाफ लाइफ 1 दिन हो, तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा, 6×1/4%। ठीक है, एक रेडियो धर्मी पदार्थ की आयु यानी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है सब्सटेंस होता है, उसकी अर्ध आयु 4 महीने है। ठीक है, अर्ध आयु क्या है, 4 महीने है। एक पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में लगेगा समय कितना, तो 8 महीने लगेगा। कितने, 8 महीने लगेगा। UPSC में आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाविकता यानी रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। तो प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल पता करना है तो कार्बन वेधि करना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि करना पड़ेगा। किसी प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारित करना है यानी पता करना है तो कार्बन डेटिंग कार्य करना होगा। पृथ्वी की आयु यूरेनियम विधि से किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु निर्धारित करते हैं या प्रागैतिहासिक जो सब्सटेंसेस होता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक जो सब्सटेंसेस होता है उसको काल पता करना है तो कार्बन डेटिंग से, या पृथ्वी की आयु आकलन करना तो यूरेनियम से हो जाएगा। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका काल निर्धारित होता है, तो जीवाश्म का निर्धारित होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, जीवाश्म का। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग मृत पौधे आदि की आयु का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल में की जाती है, यानी इसे पता चलता है कि वह पेड़ पौधा कितने वर्ष तक जीवित था। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हेनरी बेकरवेल ने किया था। ठीक है, हेनरी बेकरवेल ने किया था।
रेडियो संकेतक की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकवेल ने 1896 में की थी। यदि यह क्रिया स्वतः होती तो इसे प्राकृतिक रेडियो संकेतक कहते हैं, जबकि मनुष्य के द्वारा करा जाने वाला कृत्रिम रेडियो संकेतक कही जाती है। ठीक है, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साइज को पता किया था। डी बर्गली ने तरंग जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव होता है यानी डाई रिएक्शन या डाई जो डाई वेव जो होता है वो डी बर्गली ने ही किया था, खोज किया था इसका इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ड्यूअल बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसे डी बर्गोली ने ही खोजा था। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है, तो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया जारी रखना है तो किस कण की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रॉन को। विखंडन रेगुलर करना हो तो न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से अगर कम हो तो वह अस्थायी होती है। ठीक है, अस्थायी नाभिक होती है। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से कम हो तो क्या होगा, वह अस्थायी नाभिक होती है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जॉन थॉमसन ने किया था। ठीक है, थॉमसन ने किया था। परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी, विखंडन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ऑटो हान ने खोज किया था। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज किसने की थी, ऑटो हान ने। परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी, ऑटो हान ने किया था। ठीक है, ऑटो हान 8 मार्च 1879 से 28 जुलाई 1968 तक जर्मन रसायनक थे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी और रेडियो केमिस्ट्री के क्षेत्र में अग्रणी थे। 1938 में ऑटो हान और लीशन मित्रन ने परमाणु विखंडन की खोज की, लेकिन केवल उन्हें ही यह खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें परमाणु रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी, तो ऑटो हान ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विखंडन पर काम करता है। किस पर काम करता है परमाणु शक्ति संयंत्र, विखंडन पर। और सूर्य का संलयन जो होता है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, विखंडन पर। ठीक है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता, तो संलयन में ही क्या निकलता है, अल्ट्रावायलेट रे ये सब वगैरह निकलता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होता है संलयन में। ठीक है, संलयन से निकलता है। अभिखंडन करने के लिए रेगुलर न्यूट्रॉन चाहिए। विबंधक का कार्य कौन करता है, बोरॉन की छड़ें कार्य करती है। ठीक है, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए बोरॉन की छड़ें रखना पड़ेगा। कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर विखंडन तो आपका यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एनर्जी के रूप में, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व की रचना करते हैं, जैसे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, तो नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिक के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² ज्ञात किया था। तारों के अंदर यह क्रिया निरंतर जारी रहती है। सबसे सरल संयोजन की प्रक्रिया, 4 हाइड्रोजन परमाणु के संयोजन द्वारा 1 हीलियम परमाणु का निर्माण होता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग क्या है, तो विबंधक की तरह कार्य करना। ठीक है, विबंधक के रूप में कार्य करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में या मॉडरेटर में संलयन प्रक्रिया में न्यूट्रॉन की बौछारें को कम करने के लिए हैवी वाटर और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। हैवी वाटर और ग्रेफाइट ये दोनों का प्रयोग करते हैं कि न्यूट्रॉन की बौछारें को कम करने के लिए। ठीक है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन की दर कम करने के लिए कैडमियम और बोरन की कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल करते हैं।
रिएक्शन की दर कम करने के लिए कैडमियम और बोरन को यूज करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन की बौछारें रिएक्शन को दर कम करने के लिए कैडमियम और बोरन चाहिए, और न्यूट्रॉन की बौछारें को कम करने के लिए हैवी वाटर और ग्रेफाइट चाहिए। फिर से आप समझिएगा, न्यूट्रॉन की बौछारों को कम करने के लिए हैवी वाटर और ग्रेफाइट दोनों चाहिए, ठीक है। किसको? न्यूट्रॉन को कम बौछारों को कम करना है तब, और रिएक्शन की दर को कम करना है तो कैडमियम और बोरन की कंट्रोल रॉड चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन को कम करना है तो कैडमियम और बोरन, और न्यूट्रॉन को कम करना है तो हैवी वाटर और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधक अपरसीतक दोनों की तरह काम करता है कौन? भारी जल। देखिए, विबंधक के भी रूप में काम करता है, अपरसीतक के रूप में, दोनों ही का रूप कौन कार्य करेगा? भारी जल। भारी जल जो ये होता है, जो विबंधक अपरसीतक दोनों का कार्य करता है, ठीक है। घरेलू प्रसीतक क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधक अपरसीतक दोनों की तरह होता है कौन? भारी जल, यानी भारी जल दोनों तरीके से काम करेगा, विबंधक के रूप में भी कार्य करता है और अपरसीतक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। विबंधक के रूप में अपरसीतक ये दोनों ही होगा, ठीक है, दोनों ही रूप होगा क्या? विबंधक अपरसीतक ये दोनों ही भारी जल काम करता है, भारी जल काम करेगा, यानी भारी जल दोनों को रोल निभाता है विबंधक अपरसीतक के रूप में, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधक अपरसीतक दोनों तरह की प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी पानी है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन में बैल के वीर्य को रखा जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं और लिक्विड ऑक्सीजन का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। रेडियो धर्मिता मापी जाती है किससे? गीगर मूलर काउंटर द्वारा, GM काउंटर द्वारा, ठीक है। गीगर मूलर काउंटर द्वारा रेडियो धर्मिता मापी जाती है किससे? गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी को मापी जाती है, ठीक है। कैलोरी मीटर किससे बना होता है? अब बोरोमीटर से क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। रेडियो एक्टिविटी वह सब्सटेंसेस है जिसमें अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयोनाइजेशन रेडिएशन के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हो विकिरणशील या रेडियो धर्मिता कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणविक नाभिक स्थिर नहीं होती है, जो निश्चित मात्रा आवेशित कणों को छोड़ते हैं, रेडियो धर्मिता कहलाते हैं। इसका मापन गीगर मूलर काउंटर से किया जाता है, यानी रेडियो धर्मिता मापी जाती है किससे? गीगर मूलर काउंटर से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा, अनियंत्रित होगा संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, जिसको हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? टेलर ने खोज किया था, ठीक है। ऑटो हान ने किसका खोज किया था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम विकसित करने वाला कौन था? एडवर्ड टेलर था, एडवर्ड टेलर था दोस्तों, UPSC में आया हो दोस्तों। हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। किसने खोज किया था? एडवर्ड टेलर ने खोज किया था, एडवर्ड टेलर, स्टेनिस्लाव एम उलम तथा कुछ अन्य अमरीकी वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन बम का विकसित किया। हंगरी में जन्मे अमरीकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को ही हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। विश्व में हाइड्रोजन बम का पहला सफल परीक्षण 1 नवंबर 1952 को अमरीका द्वारा किया गया था। यह परीक्षण ईवी माइक के कूट के नाम के तहत किया गया था। तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी, 2015 में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन। अब SSC का देखिएगा, 2013 में आया। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। रेडियो धर्मिता पदार्थ किस दौरान कोई परिवर्तित नहीं होता है? तो गामा किरण जो होता है कि परिवर्तित नहीं होता है। रेडियो धर्मिता पदार्थ में कौन सा पदार्थ है जो परिवर्तन नहीं होता? तो गामा किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ? गामा उत्सर्जन जब होगा तो रेडियो एक्टिविटी कोई
परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। गामा उत्सर्जन हो तो हो, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, किस में, रेडियो एक्टिविटी में, सब्सटेंस में, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब गामा उत्सर्जन होगा तब, ठीक है। गामा जो उत्सर्जन होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पेंट्रेशन पावर इसका हाई होता है, आयनाइजेशन सबसे कम होता है अल्फा बीटा की तुलना में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसलिए रेडियोधर्मिता पदार्थ जब क्या होगा ना, गामा किरणें जब उत्सर्जित होगा तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। बीटा किरणें क्या होती है, आपका नेगेटिव होता है यानी ऋणावेशित होता है, ठीक है। अल्फा किरणें क्या होती है, हीलियम डबल प्लस आयंस होती है, ठीक है। और बीटा किरणें का द्रव्यमान अल्फा किरण की तुलना में कम होता है, निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापन में किया जाता है, तो रक्त प्रवाह की गति मापना है तो रेडियो सोडियम के द्वारा करते हैं, रेडियो सोडियम यानी N74 के द्वारा करते हैं, जिसे रेडियो सोडियम कहते हैं, ठीक है। N74 यानी Na सोडियम 24 के द्वारा, 24 के द्वारा, ठीक है, सोडियम 24 के द्वारा रक्त परिसंचरण यानी मनुष्य के रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है, या रक्त को थक्का जाने के लिए। रेडियो तत्व में रेडियो सोडियम का उपयोग मनुष्य के शरीर के रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा ये भेदन क्षमता अवरोही क्रम में किसका है, सबसे अवरोही क्रम में यानी सबसे ज़्यादा पहले गामा का होगा, फिर बीटा का, फिर अल्फा का होगा, SSC में दिया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, है ठीक है। भेदन क्षमता के अवरोही क्रम में यानी पेंट्रेशन पावर के अवरोही क्रम में बताना है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी दोस्तों, तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था, ठीक है। हेनरी बेक्यूरेल ने खोज किया था, फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता, मैडम क्यूरी तथा पेरे क्यूरी के साथ रेडियोधर्मिता के अन्वेषक थे, जिसके लिए तीनों को 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। रॉन्टजेन ने भी, ठीक है, रॉन्टजेन ने भी क्या खोज किया था। रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो नाभिक का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है, नाभिक का है, ठीक है, और नाभिक ही भाग लेता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव ये विखंडन करवाना है तो न्यूट्रॉन की बौछारें करवाना पड़ेगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव धर्मिता वह प्रक्रिया जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयोनाइजिंग रेडिएशन के रूप में ऊर्जा फेंकता है, ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते हैं या विकिरणशील या रेडियो धर्मी कहलाते हैं। विकिरण अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें और इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है, ऐसे पदार्थ जिनकी एटॉमिक नाभिक स्थिर नहीं होती और जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को छोड़ते हैं रेडियोधर्मी कहलाते हैं। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है कौन, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, कौन लेते हैं, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, ठीक है। केमिकल बिहेवियर किस पर नियंत्रण कर होता है सब्सटेंस का दोस्तों, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने रेडियो एक्टिविटी का से पूरे 60 क्वेश्चन करवाया दोस्तों। अगर चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम से रिलेटेड रहेगा दोस्तों, मैं लाते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।